क्या चीज़ है ये आदमी मानना पड़ेगा कि हर फिल्म में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ कॉमेडी को जोड़ कर एक बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है। अब शुभ मंगल सावधान या शुभ मंगल ज़्यादा सावधान देख लो, दोनों ही फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और दोनों ही फिल्में समाज के कुछ इश्यू को दिखाती है। यह अपने बधाई हो दम लगा के हई सा ड्रीम गर्ल और अपने बाला फिल्म तो देखा ही होगा। इन सारी फिल्मों से कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश लोगों को मिलता है और ये फिल्में लोगों को बेहद पसंद आती है। इसी प्रकार से फिर एक बार और आयुष्मान खुराना एक अलग रूप में नजर आने वाले हैं। वो अब डॉक्टर बन के आने वाले हैं और साथ में खूब सारा एंटरटेनमेंट और हंसी लाने वाले हैं। आयुष्मान खुराना के आने वाली फिल्म डॉक्टर जी का ट्रेलर देखने में पता चलता है कि एक डॉक्टर के रोल में नजर आएंगे, भी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर। वो डॉक्टर होते हैं जो महिलाओं का उपचार करते हैं। आयुष्मान खुराना महिलाओं का इलाज तो करते हैं लेकिन महिलाएं इनसे इलाज नहीं कराना चाहती, वो एक मेल डॉक्टर है। फीमेल डॉक्टर प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, पेशेंट जैसा नहीं सोचते ना। आयुष्मान खुराना ऑर्थोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन वो गायनोकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। बाद से ही उनके जिंदगी में प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी बार वो लोगों से पीट भी जाते हैं। साथ में बहुत सारा कॉमेडी ड्रामा बहुत ही जरूरी मुद्दे को ये फिल्म दिखाने वाली है। ट्रेलर देखकर लग भी रहा है ये दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आयुष्मान खुराना की फिल्मों की एक खास बात यह है कि उनकी फिल्में बोर नहीं करती। फिल्मों में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा, इमोशन ड्रामा हर चीज़। अला आयुष्मान खुराना के जो कि एक गंभीर मुद्दों को हंसी का मसाला लगाकर दर्शक सामने रखते हैं, जो कि दर्शकों को बेहद पसंद भी आता है और उनके फिल्म का ट्रेलर भी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। ऐसा है कि फिल्म उतना ही पसंद आएगी। ट्रेलर में कुछ गाने भी दिखाई दिए जो कि बेहद ही अच्छे लग रहे हैं और ट्रेलर में आयुष्मान खुराना का अपोजिट रकुल प्रीत भी दिखी, जो कि वो भी एक डॉक्टर के रोल में नजर आ रही है। इनके अलावा शेफाली शाह और शिवा चड्डा भी दिखी। तो डॉक्टर जी 14 अक्टूबर का आएंगे, मतलब फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होगी। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। तुम गाय नहीं ले लो ना यार। क्यों? जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं उसका इलाज मैं क्या करूँगा।